आज के अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रॉड्स लॉ के बारे में, ठीक है। रॉड्स लॉ के बारे में आज हम इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रॉड्स लॉ क्या होता है फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक है। रॉड्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट्स, सॉल्यूशंस चैप्टर का ये टॉपिक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। हम लोग बात करते हैं कि जब हम एक बाइनरी सॉल्यूशन लेते हैं, तो उस बाइनरी सॉल्यूशन में दो वोलाटाइल लिक्विड्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। हमने एक कंटेनर लिया है, उस कंटेनर में, वो कंटेनर जो ऊपर से बिल्कुल भरा हुआ है, उस कंटेनर में हम लोगों ने दो वोलाटाइल लिक्विड्स उसमें हमने ले लिए हैं। दोनों के दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो इस बीकर में जो हैं अपॉन हीटिंग जो हैं इवेपोरेट करेंगे और बहुत ही जल्दी उस इक्विलिब्रियम स्टेट पे जाके हमारा वो सॉल्यूशन जो है, दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो भर जाएंगे, ठीक है। यानी कि लिक्विड फेज और वेपर फेज में बहुत ही जल्दी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन जो सॉल्यूशंस होते हैं वहाँ पे वेपर प्रेशर जो है, दैट इज़ द वेपर प्रेशर जो है वो किसकी वजह से होता है, बोथ द कंपोनेंट्स, दोनों कंपोनेंट्स की वजह से ही हमारा वेपर प्रेशर वहाँ पे अवेलेबल होता है। क्योंकि दोनों सॉल्यूशंस क्या हैं, सॉल्यूट्स क्या हैं, दैट इज़ वो वोलाटाइल, मतलब कि आसानी से वो इवेपोरेट हो जा रहे हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास, अब ये रॉड्स लॉ क्या बोलता है। एक फ्रेंच केमिस्ट थे फ्रैंकोइस माटे रॉट, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ी मैंने आगे पीछे कर दी, कोई बात नहीं है। 1886 में हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, फ्रेंच केमिस्ट फ्रैंकियो माटे रॉट, जिन्होंने एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया था, किस चीज़ के बारे में, ठीक है। हम बात करते हैं आगे कि रिलेशनशिप दिया था उन्होंने पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। उन्होंने एक रिलेशन दिया था पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शंस के बीच में, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि एट ए गिवन टेम्परेचर, एक दिए गए टेम्परेचर पे वोलाटाइल सॉल्यूट्स, ठीक है, जो वोलाटाइल सॉल्यूट्स जो हैं हमारे द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर जो है इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के और उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, ठीक है। प्योर कंपोनेंट वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो रॉड्स ने क्या बोला था कि एट ए गिवन टेम्परेचर, एक दिए के टेम्परेचर के ऊपर वोलाटाइल लिक्विड्स का अगर एक सॉल्यूशन हमारे पास है तो उस पूरे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर हमारे पास आएगा वो किसके इक्वल होगा, उस सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं प्योर कंपोनेंट्स, उनका उनके प्रेशर मल्टीप्लाई बाय उन प्योर कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा, ये रॉड्स ने बोला था। अब हम देखते हैं कि रॉड्स लॉ हमने डेराइव कैसे करना है, डेरिवेशन देख लेते हैं रॉड्स लॉ की, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं, लेट अस कंसीडर ए बाइनरी सॉल्यूशन। हमने एक बाइनरी सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं, कंसिस्ट ऑफ द टू वोलाटाइल लिक्विड्स, दो वोलाटाइल लिक्विड्स हम लोगों ने लिए हैं, टू लिक्विड्स लिए हैं और वो दोनों आसानी से वेपर फेज में जा रहे हैं, हम डेरिवेशन कर रहे हैं इसकी, ठीक है। एक हमने बाइनरी सॉल्यूशन लिया, उसमें दो वोलाटाइल लिक्विड्स हैं, यानी कि उनको जब हम हीट करेंगे तो आसानी से वो क्या है, वेपर फेज में चले जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अब उन दोनों कंपोनेंट्स को, सपोज कि एक कंपोनेंट है हमारा ए, उसको ए से लिख दिया, दूसरे कंपोनेंट को हम लिख देते हैं बी, ठीक है। कंपोनेंट ए का जो मोल फ्रैक्शन है उसको मान लिया एक्स ए और कंपोनेंट बी का जो मोल फ्रैक्शन है उसको मान लिया एक्स बी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शंस लिख लिए, हमें इन दोनों कंपोनेंट्स के क्या चाहिए, वेपर प्रेशर चाहिए। तो सपोज कि कंपोनेंट ए का पार्शियल प्रेशर है पी ए और कंपोनेंट बी का पार्शियल प्रेशर है पी बी, यहाँ तक क्लियर हो गया। एक्स ए और एक्स बी दोनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन और पी ए और पी बी दोनों कंपोनेंट्स के
पार्शियल प्रेशर्स, ठीक है। अब देखते हैं कि रॉट लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू रॉट्स लॉ क्या था कि एक उन कंपोनेंट्स के जो पार्शियल प्रेशर्स हैं वो किसके बराबर होंगे। सपोज कि कंपोनेंट ए का पार्शियल प्रेशर पी ए इज इक्वल टू किसके बराबर है, प्योर कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के, पी नॉट ए जो है वो है प्योर कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर इंटू एक्स ए, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स पी। उसी प्रकार से हम कंपोनेंट बी के लिए लिखेंगे पी बी इज इक्वल टू पी नॉट पी मल्टीप्लाई बाय एक्स बी। ये अकॉर्डिंग टू रॉट्स लॉ था कि दोनों कंपोनेंट्स के जो पार्शियल प्रेशर हैं वो उन दोनों कंपोनेंट्स के प्योर स्टेट में जो प्रेशर हैं मल्टीप्लाई बाय उनके आप बोल सकते हो मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर हम लोगों ने निकालना है। उसको हम लोगों ने मान लिया है पी इज इक्वल टू, ऊपर क्या लिखा था हमने, पी ए प्लस पी बी, ठीक है। पी ए क्या था हमारे पास, अगली स्लाइड में देखते हैं। पी इज इक्वल टू, पी ए हमारे पास वैल्यू आई थी ऊपर, अभी हमने लिखी है, दैट इज पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी क्या था, पी बी नॉट एक्स बी। इन दोनों को, दोनों कंपोनेंट का अलग अलग जो पार्शियल प्रेशर, उन दोनों को एडअप कर देंगे तो टोटल प्रेशर हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद जैसे कि हम लोगों को पता है, वी नो दैट एक्स ए प्लस एक्स बी, हमने मोल फ्रैक्शन किया था ना कि दोनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन जो है वो हमेशा वन के बराबर होते हैं, ये रिलेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, एक्स ए इज प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या है, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन, और इसको रीअरेंज कर सकते हैं हम लोग। एक्स ए निकालना है तो एक्स ए बाहर कर दो और वन माइनस एक्स बी, अगर एस बी एक्स बी निकालना है तो उसको बाहर कर दो तो वन माइनस एक्स ए हो जाएगा। तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर पी इज इक्वल टू आ जाएगा पी नॉट ए इंटू वन माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स पी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब क्या हो गया, पी इज इक्वल टू, पूरा इसको हम रीअरेंज करेंगे, पी नॉट ए प्लस पी बी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी, ये रिलेशन हम लोगों के पास आ गया। और ये जो इक्वेशन हमारे पास बेटा आई है, इस इक्वेशन से बेटा हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कंक्लूजन क्या निकाला, कंक्लूजन्स क्या निकल रहे हैं इस इक्वेशन से हमारे पास। पहला कंक्लूजन ये निकल रहा है कि टोटल वेपर प्रेशर जो है वो रिलेटेड होता है किसके साथ, किसी भी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के साथ, ठीक है, या तो एक्स ए या तो वन माइनस एक्स ए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक कंक्लूजन यहाँ से निकल गया हमारे पास। दूसरा कंक्लूजन हमारे पास ये निकलता है कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर जो है लीनियरली जो है वो कंपोनेंट बी के मोल फ्रैक्शन के साथ क्या करेगा, वेरी करेगा, ठीक है। क्योंकि पी ए नॉट और पी बी नॉट कांस्टेंट हैं, आर कांस्टेंट, ठीक है। तीसरा हमारे पास आता है डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट्स जो ए और बी हैं इनके वेपर प्रेशर के हिसाब से टोटल वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो हमारे पास, हम ये बोल सकते हैं हमारे पास रॉड्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या रिलेशन आ गया, अकॉर्डिंग टू लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स, दैट इज पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए, पहले मैं लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय एक्स ए, और पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, एक बाइनरी सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट्स का जो मोल फ्रैक्शंस हैं, सॉरी पार्शियल वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर है, जैसे वो बराबर है किसके, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो हमारा इस वीडियो में हम लोगों ने ये बात की कि किस प्रकार से हमारा जो रॉड्स लॉ है वो एक्सप्लेन होता है। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।